हाजरीन महफिल शरा और मोजिज हाजरीन आदाब मरूफ़ फिल्मी नगमा निगार और अजीम शायर साहिल लुधियानवी की बावकार यादों के नाम मंसूब उनके योम पैदाइश पर जश्न साहिर के उनवान से आरास्ता दीदी उर्दू की इस खूबसूरत बज में मैं आपका दोस्त रियाज सागर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ आप सबको खुश आमदी कहता हूँ और आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज करता हूँ और सबसे पहले दावत कलाम देता हूँ एक ऐसे शायर को जिसकी आवाज़ का जादू कलाम की नगमगी और शेर पढ़ने का खूबसूरत अंदाज यकीन आप हजरात के दिलो दिमाग पर दस्तक देता हुआ रूह की गहराइयों में उतर जाएगा मोहतरम डॉक्टर जलाल फूलपुरी साहब तरन्नुम के बेमिसाल शायर हैं और मैं उनसे ये गुजारिश भी करूँगा कि साहिर लुधियानवी साहब को वो खराज अकीदत के तौर पर मंजूम खराज अकीदत अकीद अपनी शायरी के जरिए पेश करें और अपनी गज़ल से भी नवाजें मैं उनके बारे में बजा तौर पर कह सकता हूँ कि जान रग रग से खिंची आती है कानों की तरफ किस बला की कशिश उफ तेरी आवाज़ में है हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम डॉक्टर जलाल फूलपुरी साहब आज के इस जश्न साहिर लुधियानवी के मुबारक मौके पर मैं मंजूमत अखराज अकीदत पेश कर रहा हूँ अपने अशार से मतल हाज़िर है अदब के शहर का एक था साहिर अदब के शहर का एक शाहकार था साहिर अदब के शहर का एक शाहकार था साहिर जमाना नाज़ करे वो बाहर था साहिर जमाना नाज करे वो बाहर था साहिर और हमेशा अपने हुनर से रहेगा वो जिंदा हमेशा अपने हुनर से रहेगा वो जिंदा कि लफ्ज़ लफ्ज़ हकीकत निगार था साहिर कि लफ्ज़ हकीक़त निगार था साहिर

वो बेकरार दिलों को करार देता रहा और अपनी जात में खुद बेकरार था सा जिंदाबाद और अपनी जात में खुद बेकरार था साहिर वो चाहता था कि मौसम का, का रुख बदल जाए वो चाहता था कि मौसम का रुख बदल जाए वो चाहता था कि मौसम का रुख बदल जाए नई बाहर, बाहर का उम्मीद वार था साहिर नई बाहर का उम्मीद वार था साहिर बतौर खास देखें कि वो अपनी नज़मों में था अपनी वक्त की आवाज वो अपनी नजुमों में था अपने वक्त की आवाज़ हजार टूटे दिलों की पुकार था साहिर हजार टूटे दिलों की पुकार था साहिर और बहुत से लोगों को इस बात की खबर ही नहीं क्या बात है। बहुत से लोगों को इस बात की खबर ही नहीं बहुत से लोगों को इस बात की खबर ही नहीं किसी हसी की नजर का शिकार था बाद। साहिर बाद। बाद। क्या बात किसी बाद। हसी की नजर का शिकार था साहिर और मख्ता समाप्त कर दुआओं के साथ कि वो चा जलाल उसको पुकारेंगी गांव की गलियां जलाल उसको पुकारेंगी गांव की गलियां जलाल उसको पुकारेंगी गांव की गलियां वो अपने गीतों में क्या शानदार था साहे वो अपने गीतों में क्या शान दार था बाद बाद। जमाना नाज करे वो बाहर था साहिर और आज के इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इन अशार के साथ के चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ दिल नवाजी की न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से साहिल उद्यानवी साहब के इन खूबसूरत अशार के साथ आइये आपको गजल की उस खूबसूरत फजा में लिए चलता हूँ जहाँ जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों के साथ रमा दवा नजर आएगी और गुजारिश करते हैं एक ऐसी शायरा से जिसने अपने ख़ूबसूरत फ़िक्र एहसास की खुशबू जिसने अपनी सलाहियतों की खुशबू बैक वक्त हिंदी और उर्दू दोनों ही काव्य मंचों पर बखेर कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है मोहतरमा प्रिया श्रीवास्तव बहुत फिक्र के साथ बहुत अच्छा शेर कहती हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और दिलनशी तरन्नुम में उसको पेश करने का हुनर भी जानती है मैं नशार के साथ के चांसा मिस्रा अकेला है मेरे कागज पर छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो और तुम मुझे छोड़ के, के तो मर जाऊंगा पहले मुझे पागल कर दो आप हजार करें मोहतरमा प्रिया श्रीवास्तव आप सभी को आदाब सलाम पेश करती हूँ चार मिस्रों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ खुदा पसंद करे मैं वो काम करती हूँ ये जिंदगी मैं मोहब्बत के नाम करती हूँ ये जिंदगी मैं मोहब्बत के नाम करती हूँ यहाँ जो शेरों सुखन की है चाहने के अदब के साथ सभी को सलाम करती हूँ अदब के साथ सभी को सलाम करती हूँ बहुत ही खूबसूरत और शीरी भाषा है उर्दू चार मिसरे पेश करती हूँ सुनेगा नहीं चलती कटारी की जहाँ पर तीर की भाषा नहीं।, नहीं चलती कटारी की जहाँ पर तीर की भाषा जहाँ ना काम होती होती खंजरों शमशीर की भाषा जहाँ ना काम होती खंजरों शमशीर की भाषा वहाँ पर काम आती है निराले अपने शेरों से वहाँ पर काम आती है निराली अपने शेरों से जिगर इकबाल अकबर जोश मीर की भाषा जिगर इकबाल अकबर जोश आलम मीर की भाषा मोहब्बत की, <coughs> की बात करती हूँ और मोहब्बत की बात करूंगी अपने मिसरों में सुनेगा जल समुझ को सवारी दे तो को दे तो, बहर में ढल कर निखर ही जाऊं, बने अकीदा तो सजदा बन कर दुआओं का हो वसरी ही जाऊं, बने अकीदा तो सजदा बन कर दुआओं का हो वसरी ही जाओ है सूफियाना साइशक मेरा खुदा की नेमत वजूद तेरा है सूफियाना साइशक मेरा खुदा की नेमत वजूद तेरा तू एक समंदर मैं बहती नदिया मिलूं जो तुझ में ठहरी जाऊं तू एक समंदर मैं बहती नदिया मिलूं जो तुझ में ठहरी जाऊं चार मिसरे और देखिए उसके बाद एक गजल पढ़ आती हूं सुनेगा कोशिशे मेरी है जिस खुशी के लिए कोशिशें मेरी है जिस खुशी के लिए उठाती वी सारी उसी के लिए wow. और कुछ मुझ को हासिल भले हो न हो और कुछ मुझ को हासिल भली हो न हो तुम जरूरी हो विस जिंदगी के लिए तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए क्या कर चार शेर चार पांच शेर देखे सुनेगा लवा पी है ये दुआ अब ना फासला आए लवापे है ये दुआ अब ना फासला आए हमारे बीच कोई भी ना तीसरा आए हमारे बीच कोई भी ना तीसरा आए, ना तीसरा आए। तमाम वजह उदासी की है यहाँ फिर भी तमाम वजह उदासी की है यहां फिर भी जियो ये जिंदगी ऐसे कि बस मजा आए ये ज़िंदगी ऐसे कि बस मज़ा आए मैं इस शेर के साथ के एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे हाँ। पानी के आरजू में लहू बेचता हुआ गुजारिश कर रहा हूं जना मैं तशरीफ लाए और अपने कलाम से लगा इश्क में भी होगा दिल ही टूटेगा और क्या होगा दिल ही टूटेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत उम्दा है वाह वा, वा, वा। शुक्रिया इश्क में जब दिल ही टूटेगा और क्या दिल ही टूटेगा और क्या होगा रात को फोन मैं नहीं करता क्या बात है रात को फोन मैं नहीं करता रात को फोन मैं नहीं करता वो कोई खाब देखता होगा बाँ, 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 बाँ वो कोई खाब देखता होगा और खासतौर से शेर मुलाजा फरमाए अपने घर में बड़ा तुम मैं ही हूँ घर में बड़ा अपने घर में बड़ा तुम ही अपने घर में बड़ा तू हर कोई मुझे से ही खफा होगा हर कोई मुझे से ही खफा होगा नहीं भाई। नहीं भाई। नहीं भाई। नहीं भाई। और एक मतला और एक शेर मुलजा फरमाए जी। अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे अपने पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने देंगे। क्या बात है वाह 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 जिंदाबाद ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने वाँ वाँ। देंगे दिल की धरती को तेरे गम से सजार रखेंगे वाह 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 दिल की धरती को तेरे गम से सजा रखेंगे इसमी को कभी बंजर नहीं होने देंगे वाह 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 जमी को कभी बंजर नहीं होने देंगे, देंगे। वाह <laughs> क्या कह रहे हैं मोहतरम मैकेश शाजमी साहब मेरा रुए सुखन है डॉक्टर राकेश तूफान की जानब जो लखनऊ में एक आई पी एस ऑफिसर है मैं उन्हीं के शेर के साथ कि आज फिर मायूस लौटे पाई वो हमें आज फिर मायूस लौटे फिर मिल ना पाई वो हमें घर से दफ्तर तक खुशी को ढूंढते फिरते रहे ये का अंदाज है डॉक्टर राकेश तूफान का आप इस्तकबाल कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज शायरी के जादूगर साहिर साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए मैं गज़ल आपके हवाले करता हूँ मतला समात कीजिएगा कि इतना तो शुक्राना कर दे इतना तो शुक्राना कर दे मुझको तू दीवाना कर दे क्या बात है वाह वाह वा। इतना तो शुक्राना कर दे मुझको तू दीवाना कर दे और कातिल लगती है तो उसकी आंखों पे जुर्माना कर दे क्या बात है क्या कह रहा है वाँ 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 एक शेर बता रहे खास भूखा है घर का मुस्तकबिल <laughs> भूखा है घर का मुस्तकबिल मुझको आबोदाना कर दे क्या बात है शुक्रिया और हथियारों को लिख दे कैदी वाह को लिख दे कैदी सूरज पे जुर्माना कर दे शुक्रिया झूमे धरती अंबर गाए वाह झूमे धरती अंबर गाए हर शय को रिंदाना कर दे क्या बात है झूमे धरती अंबर गाए हर शय को रिंदाना कर दे भाई अच्छा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया एक गजल का मतला देखें कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें क्या बात है वाह 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 शुक्रिया जिंदाबाद भाई शुक्रिया साहब जिंदाबाद कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये आजकल के जो हालात के बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये भरोसे के कहा काबिल रही अखबार की बातें बात है शुक्रिया वाह वाह शुक्रिया बहुत शुक्रिया के बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये भरोसे के कहा काबिल रही अखबार की बातें बहुत शुक्रिया और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तमामी नफरतों पर गुफ्तगु की उम्र भर अब तो कि तमामी नफरतों पर गुफ्तु की उम्र भर अब तो चलो आओ करें थोड़ी वफा और प्यार की बातें बहुत बहुत, बहुत 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 शुक्रिया क्या कहना है डॉक्टर साहब जिंदाबाद बहुत शुक्रिया एक गजल का मतलब और देखें कि बहुत शुक्रिया कि परिंदे भी सभी मुझ पर मोहब्बत यूं लुटाते हैं क्या कहना है परिंदे भी सभी मुझ पर मोहब्बत यूं लुटाते हैं और मेरी खातिर जमी पर आसमा लाकर बिछाते हैं क्या कहना है बहुत शुक्रिया और ये शेर बतौर क्या तखयल है कई जख्मों के मरहम जिंदगी भर ढूंढते हैं हम वाह कई जख्मों के मरहम जिंदगी भर ढूंढते हैं हम कई जख्मों को सारी उम्र सीने से लगाते हैं क्या कहना है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि हमारी शायरी को जब भी वो गुलरंग कहती है हमारी शायरी को जब भी वो गुलरंग कहती है हसी लहजे से उसके हम तो गुलदस्ते बनाते हैं क्या बात है, है। बहुत शुक्रिया वा, वाह वाह और हमेशा एक तुझसा बेवफा किरदार खुलता है हमेशा एक तुझसा बेवफा किरदार खुलता है कभी जब यार झूठे इश्क के किस्से सुनाते हैं क्या बात है बहुत शुक्रिया और एक गजल के चंद शेर और समाप्त कर लें के मतला यूं हुआ है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं आज जो हालात हैं बहुत शुक्रिया क्या बात है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया <shamansians> बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हाँ। हैं शुक्रिया बात है हर तरफ रिश्ते दुकार. पे मीजान लिए बैठे हैं हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं बहुत शुक्रिया चल दिया कोई चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं और प्यार है फूल है आंसू है वफादारी है प्यार है फूल है आंसू है वफादारी है हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। शुक्रिया वाह वाह शुक्रिया और ईद का चांद ना आया कभी छत पर मेरी ईद का चांद ना आया कभी छत पर मेरी हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं बाँ बाँ बाँ। और हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं बाँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया क्या कहना है भाई डॉक्टर राकेश तूफान साहब कमाल कर दिया आपने तो बहुत खूबसूरत माहौल दिया डॉक्टर राकेश तूफान साहब ने और मुझे साहिल लुधियानवी साहब का एक दो शेर याद आ गए कि चंद निषाद की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ चंद कल्याण निषाद की सुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ उदासी के इस माहौल में अगर कोई शख्स कह के फूल बखेर कर माहौल को खुशगवार बना दे तो उसका नाम हो जाता है फरमूद इलाहाबादी तंज व मिजा का वो बाकमाल फनकार जिसकी शख्सियत पूरी उर्दू दुनिया में लतीफ़ तंज निगारी और शाइस्ता मिजा के लिए बेहद मशहूर है जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंज व मजा की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उस पर रोने के बजाय हंसना आ जाए ये फन है जनाब फरमुद इलाहाबादी का मैं अकबर इलाहाबादी साहब के इस शेर के साथ कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में आप हजार इस्ताल करें तंजो मिजा के मशहूर शायर फरमूद इलाहाबादी का। अकबर का जानशीन ये फरमूद आ गया खाओ इलाहाबाद से अमरूद आ गया <laughs> क्या बात है <laughs> क्या कहना है अकबर का जानशीन ये फरमूद आ गया खाओ इलाहाबाद से अमरूद आ गया मैं कई हजनों के एक मतलब शेर तरह के टेस्ट बदलता रहे देखते हैं कि शमा हो जाए गुल तो कोई परवाना नहीं आता क्या कह रहे हो जाए गुल नहीं तो कोई परवाना नहीं आता बुढ़ापे में दवा आती है दीवाना नहीं आता क्या कह रहे शुक्रिया क्षमा हो जाए गुल तो कोई परवाना नहीं आता बुढ़ापे में दवा आती है दीवाना नहीं आता और शेर समाज फरमाए कि उधर मत जाओ मेरी जहाँ, पकड़ लेंगे पुलिस वाले उधर मत जाओ मेरी जहाँ पकड़ लेंगे पुलिस वाले हम उस रास्ते से भागेंगे जिधर थाना नहीं आता आहा। हम उस रास्ते से भागेंगे क्या बात है जिधर थाना नहीं आता और देखिए कि जहाँ जल्लाद के बदले गरीबों का मसीहा हो वाह वाह जहाँ जल्लाद के बदले गरीबों का मसीहा हो नज़र में एक भी ऐसा शिफाखाना नहीं आता क्या बात है क्या जहाँ जल्लाद के बदले गरीबों का मसीहा हो नजर में एक भी ऐसा शिफा खाना नहीं आता इसी तरह से एक मतलब टकराई जो कानी से नजर एक बटा दो टकराई अच्छा जो जी जी साहब एक बटा दो एक बटा दो टकराई जो कहानी से नजर एक बटा दो कुछ कुछ तो हुआ दिल में मगर एक बटा दो वाह <laughs> <खख़ा> क्या, क्याना। <ख़ा> ये <ख़ा क्यानाधाँगा> <laughs> क्या है शुक्रिया भाई टकराई जो कहानी से नजर एक बटा दो कुछ कुछ तो हुआ दिल में मगर एक बटा दो <ख़ा> क्या कह रहा है शुक्रिया और एक बल्ब फकत फ्यूज था उस माहजबी का वाह wow. एक बल्ब फकत फ्यूज था उस माहजबी का जाहिर है कि होना था सर एक बटा वाह क्या कह रहा है वाह 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 शुक्रिया भाई शुक्रिया बहुत बहुत एक oh, बल्ब फकत फ्यूज था उस माहजबी का जाहिर है कि होना था असर एक बटा दो और आधा ही सही दर्द का दरमा तो हुआ है आ, मैं। मैं। आ क्या कहना आधा ही सही दर्द का दरमा तो हुआ है इस बार उठा दर्द जिगर एक बटा दो वाह <ईया> क्या कहना रहा है आधा ही सही दर्द का दरमा तो हुआ है इस बार उठा दर्द जिगर एक बटा दो और ये शेर बतौर खास शकील भाई देखेगा मेरे यार के कासिद में ज्यादा लुकनत है मेरे यार के कासिद में ज्यादा कम वक्त सुनाता है खबर एक बटा दो जी शुक्रिया भाई शुक्रिया, शुक्रिया भाई जी शुक्रिया मेरे यार के कासिद में ज्यादा कम वक्त सुनाता है खबर एक बटा दो वाह वाह वा। और फिर वही एक मतलब दूसरे थोड़ा सा जायका बदलते बदलते ये है कि दाल तुमने जो पकाई है वो खाए ना बने क्या कहना है वाह दाल तुमने जो गिब की जमीन पर है कि दाल तुमने जो पकाई है वो खाए ना बने और रोटियां सख्त हैं इतनी कि चबाए ना बने क्या कहना है रोटियां सख्त हैं इतनी कि चबाए न बने और मायके वालों की खातिर तो हो मुर्गा मछली वाह मायके वालों की खातिर तो हो मुर्गा मछली मेरे घर वाले का राजा है तो चाय ना बने आ, क्या कह रहा क्या सच्चा शेर का है था 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 था। क्या सच्चा शेर है ठीक है शेर में। सर मायके वालों की खातिर तो हो मुर्गा मछली मेरे घर वाले का राजा है तो चाय ना बने और जी वाह वा। और दीद के शौक में वो हाल हुआ है यारो दीद के शौक में वो हाल हुआ है यारो जख्म कैसे हैं कहां पर हैं दिखाए ना बने आ, बहुत क्या कह रहे हैं इलाहाबादी साहब आज के जमाने में जबकि रोना हंसा शख्सियतों का मुकद्दर बन गया है खुद हंसना और दूसरों को हंसाने की कोशिश करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है मैं साहिलुद्यानवी साहब के इस शेर के साथ कि दुनिया ने तो हवािस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने छोटे भाई और आप सबके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब शायर राजीव रियाज प्रतापगढ़ी से आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है वाह वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में वाह वाह वाह। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है ठीक उसी पल में चीखा करता है कोई वाह ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है वाह 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 वाहीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है कद छोटा कर देती है ये पाने की चाहत कद छोटा कर देती है ये पाने की चाहत कद छोटा कर देती है ये पाने की चाहत कद छोटा कर देती है ये पाने की चाहत जीवन में कुछ चीजों को ठुकराना होता है जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो वाह वाह जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो उतने में तो लोगों को मर जाना जा होता है, है। बा। क्या बात है भाई बहुत शुक्रिया हजरत। आइए अब इसके बाद मैं एक ऐसे आलमी शहरत याफ्ता शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ जो कई दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है या यूँ कहें कि खिदमत के साथ साथ वो मुशायरों की जीनत बना हुआ है मुशायरों की रोशनी बना हुआ है और फरहत एहसास के शेर से मैं उनको दावत कलाम देना चाहता हूँ चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है जनाब रिया सागर साहब तशरीफ़ लाएँ बहरहाल चार मिसरों में अपना तारुफ कराता हूँ कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुदारी जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ा और एक मतला और दो तीन शेर मुलाज़ा करें शकील आजमी साहब मतले पे खास आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ आ गया एक और ताजा गम कमर कसता हुआ जैसा शेर सुना है वैसी आपने दाद नहीं दी इधर के लोग खामोश है डॉक्टर साहब तो बिल्कुल खामोश बैठे कह रहे मैं नक्का दू जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ आ गया एक और ताजा गम कमर कसता हुआ और आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्हा सा चराग आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्ना सा चराग जुलमतों से जंग करने को कमर बस्ता हुआ बेर, बेर, बेर। आंधियों की जद पे था लेकिन बहुत शुक्रिया नवाजिश आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्ना सा चराग जुलमतों से जंग करने को कमर बस्ता हुआ और ये शेर भी बतौर खास मुलायजा करें कि किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया। खार के पहलू में देखा फूल जब हसता हुआ। आ, 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 किस कदर आसान है जीना समझ में आ गया खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ स्टेज के दोस्तों से भी गुजारिश और आपसे भी कि अगर आपके दिल की बात हो तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए कि फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में है। है। फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में बयक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ फिर कोई साजिश बहुत शुक्रिया नवाजिश फिर कोई साजिश बहुत शुक्रिया फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में बयक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ और एक सच्चे वाक्य को मैंने नजम करने की कोशिश की है शकील आजमी साहब होता तो सब जगह है लेकिन मुजफ्फरनगर में एक वाक हुआ और मैंने उसको शेर में डाल दिया कि खेत के पानी का झगड़ा कितनी जाने ले गया खेत के पानी का झगड़ा कितनी जाने ले गया आज इंसा का लहू पानी से भी सस्ता हुआ उर्दू शायरी की एक ऐसी मुतवर और अनोखी आवाज़ जो गुज्त तकरीबन तीस पैंतीस बरसों से अपने कलाम की नुदरत शगुफ्तगी और लहजे की शाइस्तगी से साम के दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में मैं इस शेर के साथ कि मैं वो नरगिस नहीं जो अपनी बेनूरी पर रोती है मैं चश्मे दिल से करती हूँ चमन में दीदावर पैदा गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा ताज सुल्ताना से आप हजरात इस्तकबाल करें अजीब पास वफ़ा है कि बेकली न गई जो बात कहनी थी मुझसे कभी कहीं न गई क्या वाह 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 जो बात कहनी थी मुझसे कभी कहीं न गई हज़ार रंजो अलम से मेरा ताल्लुक़ हो हज़ार रंजोलम से मेरा ताल्लुक़ हो मेरे लबों की मगर आज तक हंसी न गई क्या बात है। बा, 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 बा। मेरे लबों की मगर आज तक हसी न गई अजीब हाल है अहले वफा के शहर में ताज अजीब हाल है अहले वफा के शहर में ताज जफा और जोर अजीब हाल है अहले वफा के शहर में ताज ज़रा सी बात पे बरसों की दुश्मनी न लगई जरा सी बात पे बरसों की दुश्मनी न गई। ये दिल तेरी चाहत में, ये दिल तेरी चाहत में, मुद्दत से है दीवाना वा। वा। ये दिल तेरी चाहत में धड़कन मेरी बन कर तू धड़कन मेरी बन कर तू सांसों में समा जाना ये दिल वाँ वाँ। तेरी चाहत में है तुमको कसम मेरी उल्फत का भरम रखना बदले नहीं पर, पर तुम न बदल जाना ऋतु wow. बदले नहीं पर, पर तुम न बदल जाना ये दिल तेरी चाहत में मैं तेरी मोहब्बत में इस तरह से खो जाऊँ मैं तेरी मोहब्बत में इस तरह से खो जाऊ तू इत की खुशबू बन तू तो इत्र की खुशबू बन रग रग में समा जाना तू तो इत्र की खुशबू बन रग रग में समा जाना ये दिल तेरी क्या में एक मतलब और दो शेर और मुलाजा कीजिएगा सिलसिला प्यार का बढ़ा देना सिलसिला प्यार का बढ़ा देना तुम भी एक बार मुस्कुरा देना तुम भी एक बार मुस्कुरा देना सिलसिला प्यार का बढ़ा देना तुम भी एक बार मुस्कुरा देना अपने माजी की तलख यादों को अपने माजी की तलख यादों को इतना आसान नहीं भुला देना इतना आसान नहीं भुला देना बहुत बहुत अपने खूबसूरत अशार की खुशबू बखेर कर हमारे दिलो दिमाग को मोहतर कर रही थी मोहतरमा ताज सुल्ताना साहिबा अदब के बहरे जखार में गोते लगाकर नायाब मोतियों की तलाश करना उनका महबूब तरीन मशगला है मैं इन अशार के साथ के जबा को खोल परों को खोल जमाना उड़ान देखता है जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है इन खूबसूरत अशार के खालिक आज की इस खूबसूरत गजल का मकता महफिल गजल का मकता मोहतरम शकील आजमी साहब आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए जरा सा हम भी हैं दुनिया को आजमाए क्या बात है <ü x2> कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए आ, कहीं कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए जरा सा हम भी हैं दुनिया को आजमाए हुए जरा सा हम भी हैं दुनिया को आजमाए हुए और जहां तलक मेरी आंखों ने आसमा देखा आ वहीं तलक थे सितारे भी झिलमिलाए हुए क्या बात है वाह 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 हां तलक मेरी आंखों ने आसमां देखा वाह 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 जहां तलक मेरी आंखों ने आसमां देखा वहीं तलक थे सितारे भी झिलमिलाए हुए और ये शेर वहीं तलक थे सितारे भी झिलमिलाए हुए पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए क्या बात है शेर सुनिएगा पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए हमारे पास भी कुछ लोग थे कमाए हुए क्या कह रहे पड़ा जो वक्त पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए हमारे पास भी कुछ लोग थे कमाए हुए बहुत शुक्रिया हमारे पास भी कुछ लोग थे कमाए हुए टूट कर जा के खराबे में पड़े रहते हैं टूट कर जा के खराबे में पड़े रहते हैं अपने ही शोर, वाँ वाँ वाँ। ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं क्या कहना टूट कर जाके खराबे में पड़े रहते हैं अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं कत्ल करता है कोई खाब में आकर हमको रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं। क्या कहना बहुत अनायत बहुत बहुत शुक्रिया कत्ल करता है कोई खाब में आकर हमको रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं ये दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं ये दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं लहू लुहान सभी हैं रसूल कोई नहीं बहुत इनायत बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कितना अच्छा सुन रहे हैं आप माशाल्लाह दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं क्या बात? लहू लुहान सभी हैं रसूल कोई नहीं बदन की आग बदन ही में जलती बुझती है क्या कहना बदन की आग बदन ही में जलती बुझती है ये कैसा कर्ज है करता वसूल कोई नहीं क्या कहना है वाह 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 बदन की आग बदन ही में जलती बुझती है।, बात है? वा, वा, वा। ये कैसा कर्ज है करता वसूल कोई नहीं बात है? मुझे न तोड़ के आगे खिजा का मौसम है आहा, आहा। मुझे न तोड़ के आ... बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की तोड़ नहीं पाए मुझे न तोड़ के आगे खिजा का, का मौसम है मेरे अलावा तेरे बन में फूल कोई नहीं मुझे न तोड़ के आगे खिजा का मौसम है वा, वा, मेरे अलावा तेरे बन में फूल कोई नहीं अजीब रुत है हवाएं भी खैमा जन है शकील शेर सुन साहब की अजीब रुत है हवाएं भी खैमा जन है शकील उड़ाने वाला बयाबा में धूल कोई नहीं वा, 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 अजीब रुत है हवाएं भी खैमा जन है शकील बहुत उड़ाने वाला बयाबा में धूल कोई नहीं आखिर में तीन शेरे के। उड़ाने वाला बयाबा में जो कट जाएगा काट देना उड़ाने वाला बयाबा में धूल कोई नहीं, नहीं हाँ। महफूज बाकी रख लेना महंगा शायर हूँ बाद में काम आएगा तो महफूज रखे उड़ाने वाला बयाबा में धूल कोई नहीं उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में वाह उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में क्या बात है आ वाह 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 क्या सादगी से कितना बड़ा है वाह वाह बहुत नाइस वाह 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 उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में बहुत खूब फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में शेर सुनिए साहब नया लगे तो सुन के बताएं दो तीन शेर यहाँ से फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे वाह वाह वा। मैं उसके छूने से मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे है सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में वाह 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 क्या बात है क्या शेर कह दिया जनाब वाह 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 बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद शकील भाई मैं उसके, वाँ, वाँ। मैं उसके छूने से दवा तो खाई नहीं वाह 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 मैं उसके छूने से अच्छा हुआ मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में क्या बात है और हवा और चराग पर मैं शेर नहीं कहता इतना लिखा गया कुछ बचा नहीं है इसमें कुछ नया हो गया इसलिए ये शेर कहा गया है ये सुनिएगा शेर सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे सुनिएगा इसी खता पे सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में इसी खता पे इसी खता पे बुझाए गए चराग मेरे मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में बहुत 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 इनायत बहुत नवाजिश बहुत इनायत इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में और ये आखिरी शेर है अच्छी शायरी के टेबल में दो दुनी पांच होते हैं तो जरा सा आप गौर करेंगे तो पहुंचेंगे वहां तक आ, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में वा, वा, वा। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल आखिरी शेर है ये तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में वाह 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 वा, वा, जिंदाबाद वा, जिंदाबाद शकील आजमी साहब आपसे गुजारिश है कि पांच शेर से और नवाज दीजिए खालिद आजमी खालिद आजमी साहब की गुजारिश है आपसे खालिद आजमी साहब प्रोड्यूसर कौन सी गजल सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो इनकी तो सारी गजलें अच्छी है गली बनारस की बन कोई है क्या वो फिल्म का गाना है फिल्म का गाना है वो तो तू बन गली बनारस की अच्छा मैं शाम अच्छा। तलक भटकू तुझ में वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं जरा <laughs> तो सुनाता हूँ जरा सुनाता हूँ के दो तीन शेर एक गजल के दो तीन शेर एक गजल के छः हो जाएंगे हाँ मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए वाह क्या कहना है सुनिएगा साहब ये ये गज़लें मैं मुशारों में कम पढ़ता हूँ तो आपने सुनी भी नहीं होंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए मुझको उजलत नहीं ताखीर से आ, पहचाना जाए क्या बात है क्या मतला कह दिया वाह 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 वा। बहुत नवाद जिंदाबाद शकील आजमी साहब बहुत खूबसूरत मसला है बहुत बहुत वाह 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 मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए मुझको उजलत नहीं से, पहचा से पहचाना जाए वो आपने बहुत सारे शेर कहे गए हैं सुने गए हैं कि वो चेहरा बदल बदलने वाली बात की एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेना फलाना इसको देखिए किस तरह से एक नया अंदाज इस शेर में मिला है मेरी कोई औकात नहीं है सब ऊपर से आता है मेरे पास दोस्ती है उससे मेरी आ, के, आ, आ, मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए मुझको उजलत नहीं ताखीर से पहचाना जाए मैं कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने आ, क्या है, क्या मैं है? कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए जिंदाबाद मैं वाँ 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 वाँ। रहता हूँ बहुत नायब बहुत नवादी बहुत शुक्रिया बहुत नायब मैं कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए वाँ वाँ वाँ। मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए आंख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है क्या कह रहा है आंख का देखा हुआ झूठ भी, भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है खाब को खाब की ताबीर से पहचाना जाए बात है वाह 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 वा। आंख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है वाह 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 बहुत बहुत आंख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है खाब को खाब की ताबीर से पहचाना जाए खाब को खाब की ताबीर से पहचाना जाए और ये शेर सुने इसमें जो टेक्निक है वो देखें कि खाब को खाब की ताबीर से पहचाना जाए मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है वाह वाह मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना आ जाए वाह 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 बहुत शुक्रिया बहुत नमाज़ी वाह 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 मेरा सब कुछ बहुत क्या कह रहा हूं मेरा मंगल मेरे पीर से मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है क्या कहना है मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना जाए और आखिर में एक दो तीन शेर इस गजल के सुन कि चोट सी तुझको लगी दर्द से हलकान है हम वाह चोट सी तुझको लगी दर्द से हलकान है हम अब ये महसूस हुआ है कि तेरी जान है हम क्या कह रहा है आगा। आगा। चोट सी तुझको लगी दर्द से हलकान है हम अब ये महसूस हुआ है कि तेरी जान है हम शेष ये भी के पेड़ पर होता है मौसम के बदलने का असर पेड़ पर होता है मौसम के बदलने का असर हम खिले रहते हैं पतझड़ में भी गुलदान हम पेड़ पर होता है पेड़ पर वाँ होता वाँ है मौसम के बदलने का असर हम खिले रहते हैं पतझड़ में भी गुलदान है हम वाह और देखिए ये शेर इसमें आंसू लफ्ज का इस्तेमाल नहीं है लेकिन बात आंसू की हो रही है।, क्या है आप पहुंचेंगे हम खिले रहते हैं पतझड़ में भी गुलदान है हम वाह वाह के दिल से निकले हैं तो पलकों पे कहा ठहरेंगे क्या हैं दिल से निकले हैं तो पलकों पे कहां ठहरेंगे अब तेरी आंख में कुछ देर के मेहमान हैं हम वाह 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 <laughs> बहुत-बहुत शुक्रिया आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए जश्ने साहिर के सम्मान से आरास्ता इस महफिल के लिए मैं तमाम सामईन का तमाम शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से दीदी उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अजीम फनकार की बावकार यादों के नाम इतनी खूबसूरत महफिल आरास्ता की और इस शेर के साथ इस महफिल का अखदाम का ऐलान करता हूँ कि अब कोई याद करे या ना करे साकी हम तो पैमाने पे होटों के निशान छोड़ चले बहुत बहुत शुक्रिया का